Hi everyone and welcome to the 5 Paisa IPO series. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Senco Gold Limited के IPO के बारे में. Senco Gold Limited एक पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर है. इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स IPO सिनॉप्सिस के बारे में. तो अगर आपको इस IPO इश्यू से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट IPO एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज़. तो गाइस शुरू करते हैं IPO सिनॉप्सिस के साथ. इस IPO का इशू ओपन होगा ऑन 4th जुलाई और क्लोज होगा 6th जुलाई को. IPO की टोटल वर्थ है ₹405 करोड़. इसमें फ्रेश इश्यू है ₹270 करोड़ का और OFS भी है ₹135 करोड़ का. प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹301 टू ₹317 पर शेयर. शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 11th जुलाई और IPO लिस्टिंग डेट है 14th जुलाई की. IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं. इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की फंडिंग के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए. अब हम कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में समझते हैं. Senco Gold Limited एक पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर है. कंपनी के प्रोडक्ट Senco Gold एंड डायमंड के ब्रांड नेम के अंडर सेल किए जाते हैं. Senco Gold प्राइमरली गोल्ड एंड डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी रिटेल करता है. कंपनी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स और सिल्वर यूटेंसिल्स भी रिटेल करती है. कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं जैसे एवरलाइट एंड गॉसिप जो लाइटवेट एंड सिल्वर फैशन ज्वेलरी रिटेल करते हैं. इनका एक ब्रांड है अहम जो मेल कंज्यूमर्स के लिए भी ज्वेलरी रिटेल करता है. ये तीनों ब्रांड्स यंग कंज्यूमर पर फोकस्ड हैं और स्मॉलर टिकट साइज की ज्वेलरी रिटेल करते हैं. कंपनी के डी सिग्निया शोरूम्स और विवाह कलेक्शन प्रीमियम डिजाइनर ज्वेलरी ऑफर करते हैं. कंपनी प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी 136 शोरूम्स ओन करती है. अगर इंडस्ट्री की बात करें तो CY 2022 में ज्वेलरी मार्केट में निराशाजनक परफॉर्मेंस देखी गई थी. ग्लोबल ज्वेलरी मार्केट में स्लोडाउन हुआ है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस राइज हुए हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लोडाउन हुआ है और चाइना में डिमांड का क्रंच हुआ है. ग्लोबल डिमांड स्टूड एट 2,086 टन्स ड्यूरिंग 2022, 3% डाउन फ्रॉम 2,148 टन्स रजिस्टर्ड इन CY 2021. इंडिया में भी डिमांड 2021 लेवल से कम रही. बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट ₹4,077.40 करोर्स इन FY22 फ्रॉम ₹3,534.64 करोर्स इन FY21 एंड ₹2,660.37 करोर्स इन FY20, अप बाय 15.36% इन वन ईयर एंड 53.26% इन द लास्ट टू ईयर्स. EBITDA for FY22 was at ₹347.75 crores from ₹289.95 crores in FY21 and ₹189.86 crores in FY20, up by 19.93% in 1 year and 83.16% in the last 2 years. PAT for FY22 was at ₹57.67 crores from ₹47.85 crores in FY21 and ₹22.17 crores in FY20, up by 20.52% in 1 year and 160.13% in the last 2 years. Expenses for FY22 were ₹3,892.38 crores from ₹3,370.45 crores in FY21 and ₹2,591.26 crores in FY20, up by 15.49% in 1 year and by 50.21% in the last 2 years. Total assets for FY22 were at ₹2,905.31 crores from ₹2,100.18 crores in FY21 and ₹1,559.29 crores in FY20, up by 38.34% in 1 year and 86.32% in the last 2 years. Total borrowings for FY22 were ₹1,177.17 crores from ₹862.97 crores in FY21 and ₹532.44 crores in FY20, up by 36.41% in 1 year and up by 121.09% in the last 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे. कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका ब्रांड नेम और इनकी लेगेसी. कंपनी ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर है. कंपनी के पास कंपनी ऑपरेटेड शोरूम की फाउंडेशन है और उसके साथ ये फ्रेंचाइज मॉडल को कंबाइन करते हैं.
कंपनी अपनी लाइटवेट अफोर्डेबल ज्वेलरी ब्रांड के थ्रू यंग और अफ्लुएंट मार्केट को टारगेट कर रही है। अब हम कंपनी से रिलेटेड रिस्क को समझते हैं। कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है और कंपनी को वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है फॉर इट्स कंटिन्यूड ग्रोथ। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए काफी लाइसेंसेस, परमिट्स और अप्रूवल्स अक्वायर करने होते हैं। कोई भी कंपनी अगर सेनको अपने ब्रांड नेम में यूज करती है तो ये कस्टमर्स को कंफ्यूज करेगा। गाइज, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में।